हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग देखने वाले एक एग्जांपल जो कि हम लोग को बताने वाला है यहाँ पे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। और ऑब्वियसली ये हमारा लास्ट एग्जांपल है जो कि ग्राफ बनाएगा एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, और इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल से थोड़ा सा अलग रहेगा। राइट, तो चलो देखते हैं हमारा एग्जाम्पल एग्जैक्टली क्या है। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलीनोमियल एंड दैट इज व्हाट गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हिच इज गिवन 2x² माइनस 4x प्लस 5। ऑलराइट, अब इसको हम लोग प्लॉट करने की पूरी कोशिश करेंगे, बट बिफोर दैट हम लोग इसको हमारे तरीके से सॉल्व करेंगे, दैट इज व्हाट वी विल डू वर्बली एनालाइज। ओके, इसका एनालिसिस करने से पहले हम लोग को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको यहाँ पे एक बार देखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है दैट इज व्हाट ax² प्लस bx प्लस c, और इसके साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो ये कुछ बनेगा, दैट इज व्हाट a इक्वल्स टू बनेगा हमारा 2। ऑलराइट, देन यहाँ पे b इक्वल्स टू बनेगा हमारा माइनस 4 एंड c इक्वल्स टू बनेगा 5। और जैसे कि हमको पता है अगर हमारा a का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो जो भी हमारा पैराबोला बनेगा दैट इज व्हाट u शेप, ये खुलेगा ऊपर की तरफ। अगर u का वैल्यू हमारा नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो ये ओपन होगा डाउनवर्ड साइड की तरफ। ऑलराइट, जैसे कि u पॉजिटिव है तो ये ओपन होगा अपसाइड में, ये यहाँ से पता चल गया है। अब क्यों ना हम लोग रूट्स के ऊपर की बात करेंगे, यानी जीरो की बात करेंगे। ऑलराइट, अगर मान लो मैंने यहाँ पे उसको फैक्टराइज कर लिया, दैट इज व्हाट बिफोर दैट मैं उसको अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल दूं तो क्या पता चलेगा, d इक्वल्स टू होता है हमारा b² माइनस 4ac। ऑलराइट, जैसे कि b हमारा है माइनस 4, उसका स्क्वायर आएगा 16, माइनस 4 इंटू a इंटू c बनेगा हमारा, a हमारा 2 और 5 हमारा यहाँ पे c, तो 5 2 बनेगा 10, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आना चाहिए 16 माइनस 14। ऑलराइट, अरे यहाँ पे अगर मैं ये पूरा कर दूँ तो इसका आंसर आना चाहिए हमारा माइनस 24, और d का वैल्यू हमारे यहाँ पे माइनस 24 आ चुका है, दैट इज व्हाट d हमारा लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, और ऐसे जगह पे हमारे जीरो यानी रूट्स बनेंगे इमेजनरी। रूट्स आर इमेजनरी गाइस, रूट्स आर इमेजनरी मतलब ये रियल नंबर को बिलोंग बिल्कुल नहीं करेंगे। दैट इज व्हाट हमारा जो भी x का या फिर रूट्स का हमारा वैल्यू आएगा वो बिल्कुल ही रियल नंबर का सेट नहीं रहेगा। अब ये कैसे रहेंगे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th में, बट बिफोर दैट इसको प्लॉट कैसे करना है हम लोग देख लेते हैं। बट इसके ऊपर से हमको एक चीज पता चल गई कि जो भी हमारा यहाँ पे ग्राफ बनेगा ऑब्वियसली वो x एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल्स समथिंग रियल नंबर नहीं आ रहा है। और ये हम लोगों ने कहां से जज कर लिया, क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ चुका है। तो क्यों ना हम लोग इसको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट के ऊपर समझ ले। तो चलो मैं लेता हूं एक ग्राफ पेपर, राइट, और उसके ऊपर हम लोग कुछ स्केच बनाने की कोशिश करते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ग्राफ पेपर के ऊपर x और y एक्सिस बना के रखा हुआ है, और मैं यहाँ पे एक बार फंक्शन लिख लेता हूँ, दैट इज व्हाट फंक्शन इज गिवन, दैट इज व्हाट f ऑफ x इक्वल्स टू है हमारा 2x² ऑलराइट माइनस 4x प्लस 5, और जिसको हम लोग कहेंगे हमारा इक्वल्स टू y। अगर हम लोग यहाँ पे x का कुछ डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे हमारा y ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्यों ना हम लोग कुछ वैल्यूज यहाँ पे पुट करें। ओके, तो चलो देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा तो y का वैल्यू बन जाएगा हमारा 3। राइट, अगर मैं पुट करूंगा x इक्वल्स टू 2 y बनेगा हमारा 5। ओके, अगर मैं पुट करूंगा x इक्वल्स टू 3 तो ये बनेगा 11, अगर x इक्वल्स टू 4 पुट करूंगा तो ये बनेगा हमारा 21। ओके, और अगर हम 5 पुट करेंगे तो बनेगा 35, और अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये बनना चाहिए y इक्वल्स टू बनेगा हमारा 5, और अगर मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस 1 पुट करूंगा तो ये बनना चाहिए हमारा 11, और फॉर माइनस 2 ये बनना चाहिए हमारा यहाँ पे 21। ओके, आप यहाँ पे वैल्यू डाल के उसको वेरीफाई कर सकते हो। राइट, और अगर मान लो मैंने यहाँ पे माइनस 3 भी पुट कर दिया तो इसका वैल्यू आना चाहिए हमारा 35। अब मुझे यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स निकल के आ चुके हैं। कैसे, मान लो इसको मैं कहूंगा पॉइंट ए, और उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बन चुके हैं x, y, दैट इज व्हाट 1, 3। ओके, बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे यहाँ पे बन चुके हैं 2, 5। ओके, वैसे ही सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे यहाँ पे बन चुके हैं 3, 11। और यहाँ पे बोलेंगे हम लोग ये हमारा डी पॉइंट है, ये हमारा ई पॉइंट है, ये हमारा एफ पॉइंट है, ये हमारा जी पॉइंट है, और हमारा ये एच पॉइंट है। राइट, अब मैं यहाँ पे ये सभी के सभी पॉइंट्स मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने की कोशिश करूंगा और चेक करूंगा कि एग्जैक्टली ये कैसे दिखाई देंगे। तो चलो प्लॉट करके देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे इनको प्लॉट कर दिया है, दैट इज व्हाट ए बी सी डी ई एफ। ओके, और हमारे जो भी x और y के वैल्यूज थे हम लोग उसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारे x और y के पूरे वैल्यूज है, और उसको हम लोगों ने यहाँ पे पूरा इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे उसको प्लॉट करके रखा हुआ है। तो इस ग्राफ को मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है यहाँ पे कोई भी वैल्यू x का y को टच नहीं कर रहा है। इनडायरेक्टली हम लोग ये कह सकते हैं
कोई भी x के वैल्यू के लिए y जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल्स टू कोई भी हमारे यहाँ पे जीरो नहीं बन रहा है, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर x एक्सिस पर टच या फिर कट नहीं करेगी, इसका मतलब हमारे पास कोई भी जीरो नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो ये कैसे दिखाई देता है, चलो उसको ज्वाइन कर लेते हैं और चेक करते हैं। तो मैंने इसको ज्वाइन किया कुछ ऐसे, ऑलराइट, ये कुछ दिखाई देगा कुछ ऐसे, ऑलराइट। अब यहाँ पे इस वाले यू शेप ने यानी पैराबोला ने हमको यहाँ पे ज्वाइन नहीं करवाया है, एक्स एक्सिस पे हमको कट नहीं किया है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपका पॉइंट ए बनेगा वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बोला हुआ है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, उसके लिए फॉर्मूला बनेगा माइनस बी अपॉन टू ए कमा माइनस डी अपॉन फोर ए, तो डी बनेगा डिस्क्रिमिनेंट, माइनस डी अपॉन फोर ए देगा आपका वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू, और माइनस बी अपॉन टू ए देगा आपको यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू। तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे 1.3 ऑब्वियसली आना चाहिए। तो ये वाला पैराबोला आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपके रूट्स इमेजिनरी हैं तो आपको x इक्वल्स टू रूट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए ये वाला पैराबोला यहाँ पे